सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कलयुग आते ही अनेक अनेक प्रकार के पंथ प्रगटेंगे जिसमें कोई सत्यता न होगी। थोड़ी सी प्रसिद्धि जिसको मिलेगी वो एक अपना अलग ही पंथ बनाकर चल देगा। शादी जैसे पवित्र कृत्य को भी लोग सौदे में बदल देंगे। कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। दाम्पत्य जीवन में जहां मधुरता होती है, प्रेम से भरा होता है दाम्पत्य जीवन, वहां कलह आ जाएगा। बहुत सारे स्वरूप का वर्णन किया है, मैं संक्षेप में आपको बताऊं, एक अच्छाई भी बताएं। यह कलयुग कर परम प्रताप, यह कलयुग कर परम प्रताप, मानस पुण्य ओहि नहीं पापा, मानस पुण्य ओहि नहीं पापा, मानस पुण्य है कि मानसिक रूप से यदि आप किसी का अच्छा सोचेंगे ना तो कलयुग में आपको पुण्य मिलेगा। किसी का बुरा सोचेंगे पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन हां अच्छा सोचोगे तो पुण्य जरूर मिलेगा। यह कलयुग का परम प्रताप है। और कली के दोषों से बचने के लिए कली संतारणोपनिषद का एक मंत्र बताया, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। और बाद में राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर सुखदेव जाने लगे, तब राजा परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सिद्धोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि, सिद्धोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि करुणात्मने, श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः। हे परिव्राज का आचार्य, हे परमहंसों के आचार्य, आप कहीं रिक्शा लेने भी जाते हैं तो उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। स गोदोहन मात्रेण गृहेषु गृह में देना। लेकिन आज मुझ जैसे अनाथ पर आपने इतनी कृपा कर दी, 7 दिन तक रुक करके मुझे भागवत रस से सिंचित करके, मानो भागवत सुना सुना कर मुझे कृष्ण के चरणों से ब्याह दिया, अखंड सौभाग्यवती बना दिया आपने। किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करना। सुखदेव वहां से उठे, कहीं किसी दिशा में निकल गए, किसी को पता न चला। बाद में सभी ऋषि महात्मा लोग भी परीक्षित को आशीर्वाद दे देकर अपने अपने घर की ओर चले गए। राजा परीक्षित आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर बैठ गए। अब सूत जी कथाओं का वर्णन कर रहे नैमिषारण्य में, यहां तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चला।
एक कश्यप नाम के ब्राह्मण ने तक्षक नाग को रोका जो विष उतारने में माहिर थे। तक्षक नाग ने कहा, पंडित तुम क्यों जा रहे हो उस राजा परीक्षित को बचाने, तुम्हें दक्षिणा चाहिए, मैं देता हूं, ले लो। अरे 7 दिन में भागवत सुनकर वो महापुरुष मुक्त हो गया है, क्यों संसार में फंसाना चाहते हो उसको। और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिए हैं कि कोई परिंदा भी अंदर ना आ सके, लेकिन मौत के रास्ते को कौन रोक सकता है भाई। हाँ, पूजन की सामग्री में सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक बैठ गए, और जब पूजन की सामग्री लाई गई सामने, अचानक प्रकट हुए और फणा फैलाकर फुफकार लगाया। राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया और फिर दिव्य रूप धारण किया, भगवान का विमान आया, राजा परीक्षित उस पर विराजमान हुए और देखते ही देखते धरती से अंतर ध्यान होकर भगवत धाम हो गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और फिर ऐसी कथा है, जन्मेजय बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में आए, सर्पों को मारने का यज्ञ करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बेटे क्यों ऐसा करते हो, तेरे पिता ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्यों उनके लिए तो हिंसा करके पाप कर रहा है। बंद करवाया, आगे न करने का संकल्प दिलवाया, और फिर अनेकानेक कथाओं का, छोटी छोटी कथाओं का वर्णन आया भागवत में, आए हुए ऋषियों का नाम वर्णन किया, अनेकानेक पुराण उनकी, उनके लक्षणों के विषय में बताया, उनके श्लोकों की संख्या के विषय में बताया, और फिर अनेक अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए अंत में सूत जी ने भी नैमिषारण्य में अपनी वाणी को विराम किया। कस्मयेन विभासितो यम तुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनयो विष्णाय तद योगिन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यत तच्छोधं विमलं विशोक ममृतं सत्यं परं धीमहि। योगिन्द्राय नमस्तस्मैशुकाय ब्रह्मरूप संसार सर्पद्रष्टम यो विष्णुरातम अमोमुत नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदः समाप्तः। संपूर्णोऽयं ग्रंथः। हरिः ॐ तत्सत्, हरिः ॐ तत्सत्, हरिः ॐ तत्सत्। वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आज 7 दिवस की वह रही भागवत की यात्रा, गिरिराज गोवर्धन के चरणों में विलीन हो रही है। हमारा आपका परम सौभाग्य रहा, हम लोग 7 दिन तक यहाँ एकत्र होकर गिरिराज धरण की सेवा में अपने आप को समर्पित किए रहे। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, फिर से मैं कहूँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। एक दिन के लिए भी जो यहाँ आए हैं वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि क्षणो त्रैव सुदुर्लभ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।